श्री यूनुस खान माननीय माननीय आपका समय प्रारंभ हो चुका है। बस मेरा आप शुरू हुआ सर, मेरा आप शुरू। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2024-3-4-5 पे बोलने का मौका दिया। आज चूंकि आज की चर्चा में राजा खड़ा बहुत चर्चित है और माननीय राजा खड़ा वाले माननीय सदस्य जब भाषण दे रहे थे तो मैं इनको सुन रहा था। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान को डेब्ट ट्रैप कर दिया। तो मैं आपको आपके माध्यम से सभापति महोदय बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जब इनका डेब्ट GSDP रेशो था 37.74 और इन्होंने जो प्रपोज किया है वो है 35.97। तो मुझे लगता है कि राजस्थान को डेब्ट ट्रैप किसने करवाया ये आज सारा सदन जानता है कि किसने डेब्ट ट्रैप करवाया। तो ये आंकड़े बताते हैं कि डेब्ट ट्रैप किसने कराया। अगर इनके आंकड़ों पर ध्यान दें माननीय सभापति महोदय, तो मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने सोशल सिक्योरिटीज के नाम से अनप्रोडक्टिव काम करने का कोशिश की, जिससे आज राजस्थान की ये हालत हो गई। आप देखिए कि एक मोबाइल बांटने के लिए पैसे बांट रहे हैं आप, अनेकों ऐसी योजनाएं, मैं इनकी पढ़ रहा था, योजनाएं जो अनप्रोडक्टिव है। तो जब तक राजस्थान के अंदर प्रोडक्टिव मतलब आप एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, तब तक आपको न तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, न आपको लोगों को रोजगार के अवसर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि ये सोशल सिक्योरिटीज के नाम से जो सरकारें लुटाती हैं जनता का पैसा, और इनको कोई अधिकार नहीं है। आज राजस्थान लगभग आज की तारीख में 6,00,000 करोड़ के नीचे, मतलब जो है लोन के नीचे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इनके सारे आंकड़े देख रहा था, इन्होंने जो लोन लिया वो तो लिया, मैं तो RSRDC की बात करूँगा। RSRDC मतलब PWD की सड़कें RSRDC के थ्रू लोन ले करके और इन्होंने निर्माण का काम करने का इस तरीके से बहुत किया, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का सीधा सीधा उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सरकार के पास एक लिमिटेड GSDP का लोन का अधिकार था, उसका वॉयलेशन इन्होंने कम से कम 15 संस्थाओं में लोन लेकर के किया, जिसकी वजह से राजस्थान की आज ये हालत हुई है। इसलिए किसी भी पार्टी को, चाहे सरकार इनकी हो चाहे इनकी हो, उनको अधिकार नहीं है कि लोगों का, गरीबों से जो टैक्स लेते हैं GST के रूप में, उसका दुरुपयोग करें। तो दुरुपयोग हुआ है माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसके साथ साथ रेवेन्यू भी रोक दिया, मैंने RSRDC की बात की, टोल भी बिना टेंडर के कर दिए, बिना टेंडर टोल चलाते रहे, एक तरफ पैसा नहीं आया, दूसरी तरफ लोन के नीचे दबा दिया। इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि अब मैं सरकार को यह भी निवेदन करूँगा कि आपने बजट रखा है और इसमें लगभग 4,96,000 करोड़ की आपने बात कही है, लेकिन मेरा जब आपने ये बताया कि 1,25,00,000 करोड़ के करीब इनके पास टैक्स के माध्यम से आएगा, जब तक ये कड़े कदम उठा करके और अपना रेवेन्यू जनरेशन नहीं करेंगे, तब तक स्टेट लोन के नीचे आएगा। तो मेरा इनसे भी आग्रह है कि आप कुछ ऐसे उपाय करिए कि आपका रेवेन्यू जो 1,25,00,000 करोड़ रुपये आपने अपने उन साधनों से बताया, वो बढ़ करके कम से कम 1.25 लाख तक जाएगा, तो स्टेट को रिलीफ मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और मतलब है राजस्थान आगे बढ़ेगा। अब हमें सोचना है, ये तो इन पर आरोप लगाने कि आपने डुबो दिया, अब ये कह रहे हैं आप डुबोने की तैयारी कर रहे हो। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय ये है कि समाप्त करें। सर मैं तो मुंह बंद नहीं लगा, इतना इतना समय मिल पाएगा, आज समय की बात देता है। नहीं नहीं मैं इधर नहीं बोला हूँ सर, मैं राजस्थान के लिए बोला हूँ, नहीं तो मैं आपके पक्ष में बोलूंगा, नहीं इनके पक्ष में बोलूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कि 4,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की बात कही और 10,00,000 लोगों को अवसर देने की बात कही, निश्चित रूप से सही है, क्योंकि इनकी सरकार ने पिछले बार लास्ट टाइम में तो नौकरियां निकाली, लास्ट टाइम में सोशल सिक्योरिटीज लाए कि भाई लो राशन ले लो, लो फोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इनसे मेरा आग्रह है कि अभी से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें और अभी से वैकेंसीज निकाल करके लोगों को रोजगार देने का काम करें, और थोड़ी सी कड़ी दवा देनी पड़े तो दें, क्योंकि आप
टैक्स लगा करके भी अगर नया रेवेन्यू जनरेशन करेंगे तो स्टेट के पास स्कोप बढ़ेगा। और अभी चूंकि डबल इंजन की सरकार है और आप दिल्ली से भी अच्छे पैसे ला सकते हैं, तो आप ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लगाइए जो दिल्ली से पैसा लाने में माहिर हों, अलग अलग विभागों में एक्सरसाइज करके दिल्ली से पैसा लाए जिससे राजस्थान आगे बढ़े। और मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो माननीय वसुंधरा जी ने ERCP की जो योजना लाई थी और जिस तरीके से पूरे राजस्थान में माहौल बना था, और पिछली सरकार ने क्या किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अब चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, और ये लगभग 80 विधानसभाओं में लगभग मतलब 21 जिले नए हो गए, उनमें एक जीवनदायी नहीं बन सकती है, तो उस पर ऑनेस्टी से जल्दी काम करें, ये मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।